जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आंटी, आंटी प्लीज, आंटी एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। आंटी आई एम सॉरी, जो पापा ने कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे तो शर्म आती है कि मैं उनका बेटा हूं, पर जो आपने कहा वो बिल्कुल करेक्ट था आंटी, पर एक चीज सही नहीं है आंटी, मैं छवि के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, और आपको ऐसा लगता है कि मैं उसे खुश नहीं रख सकता? इस बात की गारंटी मैं देता हूं, खुद वीर, कि मेरे साथ छवि बहुत खुश रहेगी। इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी, और इस वक्त बिल्कुल नहीं करनी। तुम जाओ यहां से। अच्छा है, तुम्हें हर काम अपने तरीके से करना होता है। ये भी अच्छा है कि तुम्हें छवि की खुशियों की फिक्र है। ऑफ कोर्स होगी, माँ हो तुम उसकी, लेकिन बात जब छवि की खुशियों की आती है, इन दोनों बच्चों की खुशियों की आती है, तो तुम इसमें रोड़े क्यों डाल रही हो बीच में? छवि की डिग्निटी की, उसकी इज्जत की परवाह मुझे भी है, और शायद आज जो कुछ भी हुआ वो जरूरी था। छवि का नाम क्लियर हो गया है, उसे कॉलेज में फिर से एडमिशन मिल गया है, ग्रेट। लेकिन ये भी तो देखो कि छवि की इसमें खुशी है, इस लड़के से वो शादी करेगी तो दोनों खुश रहेंगे। कैसे पता वो उसके साथ खुश रहेगी? अरे रॉकेट साइंस थोड़ी है, अपने पसंद के लड़के से शादी करे तो खुशी रहेगी ना। अपनी पसंद की शादी कर लेने से ही खुशी नहीं मिलती है। इस दुनिया में कईयों ने पसंद की शादियां की हैं, ये सारे खुश हैं। खुशी वहां मिलती है जहाँ इज्जत मिलती है, और हमारी छवि उसी घर में जाएगी जहाँ उसे इज्जत और सम्मान मिलेगा, और अभी हमें उसकी शादी की वैसे भी कोई जल्दी नहीं। I really hope कि तुम जैसा सोच रही हो, जिस उम्मीद में बैठी हो ना, छवि के केस में वो सही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना अपराजिता, तो मेरी छवि टूट जाएगी, बिखर जाएगी वो लड़की, और उसकी जिम्मेदार होगी उसकी माँ। तुम अपराजिता, इस बार संभल के, बात मेरी छवि की खुशियों की है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।